500 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना है। ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे स्टेशन के नामकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर सिंधिया समर्थक इस स्टेशन का नाम पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम पर रखना चाहते हैं, तो बीजेपी की राय इससे इतर है। जरा एक कहावत है, तालाब की मेड़ अभी पड़ी नहीं लेकिन मगर उतराने शुरू हो गए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का काम पूरा भी नहीं हुआ कि इसका नाम बदलने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सिंधिया समर्थक रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व रेल मंत्री माधव राव सिंधिया के नाम पर करवाना चाहते हैं। इसे लेकर सिंधिया समर्थकों ने रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व रेल मंत्री द्वारा कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के नाम से कर दिया गया है, वो पट्टिका शीघ्र लगाई जाए। नामकरण को लेकर बीजेपी जहां दो धड़ों में बटी है, तो वहीं कांग्रेस और सिंधिया समर्थक सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। पहले भी इस तरह की मांग उठी है, सरकार तय करेगी इसमें। कांग्रेस की को खुशी होगी माधवराव सिंधिया जी के नाम से ग्वालियर स्टेशन का नाम रखा जाता है। दरअसल 500 करोड़ की लागत से ग्वालियर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना है कि साल 2024 में इसका काम पूरा भी हो जाएगा। रेलवे स्टेशन को ग्वालियर की संस्कृति और विरासत से जोड़ा जा रहा है, लिहाजा स्टेशन को माधवराव सिंधिया के नाम से जोड़ने की वकालत जोर शोर से चल रही है।